नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के इस लेक्चर में हम मई महीने के जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। यानी कि पूरे एक महीने का, मई महीने में जितने भी इवेंट्स हुए थे, जितने भी एक्टिविटीज हुए थे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स में, उन सबको आज हम यहाँ एनालिसिस करेंगे। ठीक है, शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ है, वहां पर अभी तक नहीं जुड़े हो तो क्लिक कीजिएगा, जुड़ लीजिएगा। पीडीएफ अगर चाहिए तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो वीडियो का लिंक भी वहां अवेलेबल रहता है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। रेगुलर करेंट अफेयर्स अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक, चलिए शुरू करें। सबसे पहला टॉपिक है युवा। युवा मतलब प्राइम मिनिस्टर स्कीम्स फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स, यानी कि जो युवा लेखक हैं उनके लिए यह स्कीम शुरू किया गया है, और जिनका उम्र 30 वर्ष से कम है खास ये उनके लिए स्कीम है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि यह जो स्कीम है किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह स्कीम शुरू किया गया है, और यह एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है, यानी कि मेंटरिंग कार्यक्रम है। लेखक को परामर्श देगा, खासकर युवा जो लेखक है उनको परामर्श देगा, उनको ट्रेनिंग देगा, और भारत में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 30 वर्ष से कम आयु के युवा और उभरते हुए लेखक को जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, और यह दुनिया भर में भारत और भारतीय लेखन को भी प्रदर्शित करेगा। तो याद रखिएगा युवा के बारे में किस उद्देश्य के साथ में शुरू किया गया है, कौन से मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो इन सारे पॉइंट्स को आपको यहाँ पर याद रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हम युवा का मतलब समझते हैं। युवा का मतलब क्या है? तो युवा का मतलब है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। तो इसका फुल फॉर्म भी, यानी कि इसका मतलब भी आप याद रखिएगा। और यह योजना युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है, क्योंकि यह जो युवा कार्यक्रम है इंडिया एट द रेट 75 का हिस्सा है। ये इंडिया एट द रेट 75 क्या है, हमने कई बार पढ़ा है। तो यह एक नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है। ये किस प्रकार का डॉक्यूमेंट है? तो 2022 में जो हम भारत की आजादी का 75वां वर्षगांठ मनाएंगे, तो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित, भारत स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित किस प्रकार से सेलिब्रेशन होना चाहिए, और भी भारत की इकोनॉमी किस प्रकार से है, किसानों के आय दुगनी किस प्रकार से हो रही है, तो नीति आयोग के इस डॉक्यूमेंट में इंडिया एट द रेट 75 के तहत सब कुछ मेंशन किया गया है, और आने वाले जो भी विजन्स हैं उसका भी इसमें उल्लेख किया गया है। और ये प्रधानमंत्री का एक दृष्टिकोण है इंडिया एट द रेट 75, और इस योजना को शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा लागू किया गया है। तो इंडिया एट द रेट 75 से एक डायरेक्ट क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है, याद नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम, इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। और युवा कार्यक्रम यानी कि इस स्कीम के बारे में भी आपको याद रखना है, जो यंगस्टर्स ऑथर्स हैं उनके लिए यह खासकर स्कीम है। क्लियर? चलिए, ये इसके कुछ फीचर्स हैं। तो इस फीचर्स को अगर आप डिटेल में देखना चाहो तो आप जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर इसके सारे फीचर्स हैं। जितने फीचर्स हैं वो मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अगर डिटेल में देखना है तो एक बार इसे आप जरूर देखिएगा। चलिए, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है केलिडोस्कोप प्रभाव, यानी कि केलिडोस्कोप इफेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का ऑप्टिकल वायुमंडलीय घटना है जो बहुत कम देखने को मिलता है, और यह हाल फिलहाल में यानी कि मई के महीने में बैंगलोर के कुछ लोगों के द्वारा कुछ सेकेंड के लिए ही दिया गया, देखा गया था। अगर हम इसकी बात करें तो यह जो है एक चमक दार इंद्रधनुषी वलय होता है, यानी कि इंद्रधनुष के आकार का एक रिंग होता है जो बहुत कम देखने को मिलता है। आप देख रहे हो इस प्रकार से ये सूर्य के चारों ओर जो है वो इंद्रधनुष का एक रिंग बना हुआ है अलग अलग कलर में, और इसे ही हम कहते हैं क्या, केलिडोस्कोप प्रभाव, जो कि बहुत दुर्लभ है और बहुत कम देखने को मिलता है ऑप्टिकल और वायुमंडलीय घटनाओं की
वजह से। और इसे जो है 22 डिग्री गोलाकार प्रभा मंडल भी कहा जाता है, यानी कि 22 डिग्री सर्कुलर हेलो भी कहा जाता है। तो ये दोनों को याद रखिएगा कि कैलिडोस्कोप प्रभाव जो है और 22 डिग्री गोलाकार प्रभा मंडल यानी कि 22 डिग्री सर्कुलर हेलो जो है वो दोनों एक ही है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में समझ लेते हैं कि 22 डिग्री सर्कुलर हेलो क्या होता है। तो 22 डिग्री वृत्ताकार सर्कुलर हेलो जो है सूर्य के चारों ओर कभी कभी या फिर चंद्रमा के आसपास भी देखने को मिलता है। यह एक पूरे रिंग की भांति होता है। हम जब सामान्यतः इंद्रधनुष देखते हैं तो आप उसे एक यू शेप में देखते हो, बहुत कम ये देखने को मिलता है कि वो गोलाकार है। और सूर्य और चंद्रमा को पूरी तरह से गोलाकार ढके ये भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये जो है जब हेलो बनता है, ये 22 डिग्री हेलो बनता है, तो ये पूरी तरह से सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ इस प्रकार से एक रिंग आकार बना लेता है। इसीलिए इसे जो है मून रिंग या विंटर हेलो भी कहा जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और यह घटना तब होती है जब सीरस बादलों में मौजूद षटकोणीय बर्फ के क्रिस्टल माध्यम से सूर्य चंद्रमा की किरणें जो है वो अपवर्तित हो जाती हैं। ये सीरस बादल क्या है? तो सीरस बादल का मतलब यहां पर यह है कि ये तो पृथ्वी की सतह से लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। और यह जो बादल होते हैं, जैसे आप बाल देखते हो ना, तो वो बाल के सिरे में पतले पतले आकार के होते हैं, तो ये सीरस बादल कहलाते हैं, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। और इस बादल में षटकोणीय बर्फ के क्रिस्टल के माध्यम से जब वहां पर प्रकाश टकराती है तो इस प्रकार से दुर्लभ जो है वो इंद्रधनुष का आकार दिखाई देता है। ठीक, तो याद रखिएगा, बहुत रेयर है, बेंगलोर में देखा गया तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला जो टॉपिक है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कीपर्स के बारे में। पीस कीपर यानी कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन का एक पीस कीपर है जो दुनिया के विभिन्न आसान क्षेत्रों पर जाकर वहां पर शांति स्थापित करने का कार्य करती है। ठीक है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पिछले कुछ समय से भारत के पीस कीपर्स जो है यूनाइटेड नेशन के लिए काम कर रहे हैं वो काफी चर्चा में रहे थे। तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जब मनाया जा रहा है संयुक्त सैनिकों की तरफ से तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा हर साल 29 मई को जो है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 29 मई को। और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, 3900 सैनिक यानी कि 3900 सैनिक जो शांति स्थापित करने में अपनी जान को कुर्बान कर चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं, उन्हीं की यादों में उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाया जाता है। 29 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहला अंतर्राष्ट्रीय शांति मिशन जो है 29 मई 1948 को स्थापित किया गया था यूनाइटेड नेशन की तरफ से। और यह शांति रक्षा मिशन जो है वो युद्ध विराम को स्थापित करने के लिए किया गया था जो कि इजराइल और अरब के बीच में चल रहा था और उस समय वो हस्ताक्षर हुआ था। तो इसीलिए प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाया जाता है। वर्तमान समय में अगर आप देखोगे तो पूरे दुनिया भर से लगभग 95,000 सैनिक जो है वो पीस कीपिंग में लगे हुए हैं। इंडिया से भी लगभग 7,000 सैनिक जो है हमारे वो पीस कीपिंग में लगे हुए हैं यूनाइटेड नेशन के इस मिशन में। जो अलग अलग कंट्रीज जैसे कांगो हो गया, दक्षिण सूडान हो गया, तो यहाँ पर बहुत अस्थिरता है, तो इस अस्थिरता को स्थिर करने के लिए यूनाइटेड नेशन का यह पीस कीपर्स जो है कार्य करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अगला जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि कभी कभी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अगर किसी देश के सर्वोच्च पद की नियुक्ति हो रही है तो वहां पर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसे किसी कंट्रीज का प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ या फिर किसी कंट्रीज के प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हुआ तो वहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाल ही में सीरिया बहुत न्यूज में भी रहता है, ISIS की वजह से भी सीरिया बहुत न्यूज में रहा और वहां पर लगातार जो है किसी न किसी प्रकार से युद्ध होता रहता है। तो सीरिया पिछले कुछ समय से लगातार न्यूज में भी है। तो सीरिया के राष्ट्रपति हाल ही में बशर अल असद को फिर से नियुक्त किया गया है। और सीरिया की बात अगर हम करें, राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। पहले भी यही थे लेकिन फिर से इन्हें निर्वाचित किया गया है। सीरिया की अगर हम बात करें तो ये है आपका सीरिया। ठीक, इसके लोकेशन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पश्चिमी एशिया में यह स्थित है, इसके पश्चिम में भूमध्य सागर है, यानी कि ये आपका भूमध्य सागर हो गया। उत्तर में तुर्की, पूर्व में इराक, दक्षिण में जॉर्डन, दक्षिण पश्चिम में इसराइल और लेबनान स्थित है। ठीक है,
तो सीरिया के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा। अगला टॉपिक अमर सेन से रिलेटेड है। अमर सेन आपको पता है कि पहले ऐसे इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। अब यह न्यूज में क्यों है, क्योंकि इन्हें स्पेन का एक सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार का नाम है प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड। किस लिए दिया गया है, तो यह सामाजिक विज्ञान श्रेणी में इनको यह अवार्ड दिया गया है, स्पेन का यह अवार्ड। और इन्हें जो है 20 देशों के 41 उम्मीदवारों में से चुना गया था। अमर सेन को उनका जो प्रसिद्ध था पॉवर्टी एंड फेमिनिज, यानी कि गरीबी और अकाल से रिलेटेड इन्होंने जो भी रिसर्च किए या फिर इन्होंने जो भी अनुसंधान किया, इसी के लिए इन्हें जो है अमर्त्य सेन को सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड दिया गया है, जो कि स्पेन का इस कैटेगरी में सर्वोच्च सम्मान है। अमर्त्य सेन की अगर हम बात करें तो इन्हें नोबेल प्राइज कब दिया गया, 1998 में दिया गया। याद रखिएगा, अमर्त्य सेन को भारत रत्न भी प्राप्त हुआ, तो इन्हें भारत रत्न कब प्राप्त हुआ, 1999 में। ये दो बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार जो इन्हें प्राप्त हुआ, इनके बारे में आप याद रखिएगा, और यह पुरस्कार मिला है इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगला टॉपिक है, भारत में किया जाएगा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन। 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप का भी आयोजन जो है भारत में किया गया था, महिला कैटेगरी नहीं, पुरुष कैटेगरी वाला। अब महिला विश्व कप का आयोजन जो है अंडर 17 फीफा का, वो भी भारत में किया जाएगा। हालांकि 2021 में ही किया जाना था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया और अब इसका आयोजन जो है 11 से 30 अक्टूबर 2022 के दौरान भारत में किया जाएगा। फीफा, फीफा का मतलब क्या है, तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड की राजधानी ज्यूरिख में स्थित है। इसके अलावा आपको ये और क्या याद रखना है, तो फीफा के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, जिमानी इन्फेंटिनो। जिमानी इन्फेंटिनो जो है फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और फीफा को स्टैब्लिश कब किया गया, तो फीफा को स्टैब्लिश किया गया 1904 में। और फुटबॉल खेल से संबंधित ये प्रमुख एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित फुटबॉलों का संचालन या फिर जो भी कह लो पूरा मैनेजमेंट का कार्य करती है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चिपको मूवमेंट से रिलेटेड, और इसके एक प्रमुख नेता यानी कि जो प्रमुख चेहरा थे इस आंदोलन के सुंदरलाल बहुगुणा, इनका निधन हो गया। कब हुआ इनका निधन, तो 21 मई 2021 को सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वे कोविड-19 से संक्रमण थे और 94 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 9 जनवरी 1927 को। कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड के टिहरी के गढ़वाल एरिया में हुआ था। ना सिर्फ ये चिपको आंदोलन के लिए बहुत फेमस थे, बहुत कार्य किए थे, बल्कि इन्होंने जब टिहरी डैम बना था उस समय उत्तराखंड में बन रहा था, तो उसका भी इन्होंने पुरजोर विरोध किया था और बहुत सारे आंदोलन भी किए थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में याद रखिएगा, इनका निधन हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुंदरलाल बहुगुणा की खास बात यह है कि जब 1981 में इन्हें पद्मश्री दिया जा रहा था, तो ये पद्मश्री इन्होंने लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय चिपको आंदोलन भी चला था पर्यावरण के लिए। चिपको आंदोलन का कहने का मतलब है कि बहुत सारी महिलाएं या फिर जो भी इस आंदोलन से जुड़े थे पेड़ से चिपक कर ये विरोध करते थे, पेड़ काटने का विरोध करते थे, पर्यावरण को बचाने के लिए ये बहुत सारे आंदोलन किए थे, जिसमें से चिपको आंदोलन जो है वो प्रमुख है, ठीक है। और 2009 में उसके बाद इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। चिपको आंदोलन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जाने, तो चिपको आंदोलन भारत में वनों के संरक्षण के लिए शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत 1973 में उत्तराखंड से हुई थी और इस आंदोलन का उद्देश्य वनों को नष्ट होने से बचाना था। ये है सुंदरलाल बहुगुणा, और ये पेड़ से ऐसे चिपक कर जो है वनों को काटने से वो विरोध कर रहे हैं और वृक्षों का समर्थन कर रहे हैं। और इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा के अलावा जो मुख्य चेहरा थे वो आपका सुरक्षा देवी, गौरा देवी, सुदेशा देवी, पचनी देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, विरुष्का देवी, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका में थे इस आंदोलन के। तो ये सब सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला चर्चा में चल रहा है पश्चिम बंगाल में विधान परिषद गठन किया जाए, और ये चर्चा
किसने शुरू किया? तो ये चर्चा शुरू किया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। वो चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल में फिर से विधान परिषद का गठन हो और इसके लिए ममता बनर्जी ने मंजूरी भी दे दी है। तो क्या ममता बनर्जी यानी कि फिर राज्य के अगर लेजिस्लेटिव असेंबली से परमिशन मिल जाए, अप्रूवल मिल जाए, तो क्या विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? नहीं, वहां से अप्रूवल के बाद जब तक संसद की सहमति ना मिल जाए यानी कि पार्लियामेंट की सहमति ना मिल जाए तब तक किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया जा सकता। तो हालांकि ममता बनर्जी यानी कि वहां के मुख्यमंत्री की तरफ से मंजूरी दे दी गई है कि बंगाल में विधान परिषद का गठन किया जाए, लेकिन विधान परिषद का गठन तभी हो सकता है जब संसद का मंजूरी मिले। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में विधान परिषद था लेकिन उसे 1969 में समाप्त कर दिया गया था। क्लियर है? राज्य विधानसभा राज्य विधान परिषद के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। वर्तमान समय में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है? तो ये टोटल 6 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जम्मू कश्मीर में भी था लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब यूनियन टेरिटरी बन गया तो वो विधान परिषद जो है समाप्त हो गया। संवैधानिक प्रावधान क्या कहता है विधान परिषद के लिए? तो संविधान का जो अनुच्छेद 169 है इसमें विधान परिषद को परिभाषित किया गया है। और जैसे मैंने बताया कि अभी वर्तमान समय में 6 विधान परिषद है और राज्य विधान परिषद के सदस्यों का चयन किस प्रकार से होता है यानी कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहां पर जो मेंबर्स होंगे उनका चयन किस प्रकार से होगा, तो ये कुछ यहाँ पर पॉइंट्स हैं। लगभग 5 पॉइंट्स हैं जिसमें विधान परिषद के सदस्यों का चयन किया जाता है। ये आप एक बार देख लो। 1/3 जो है विधान परिषद का मेजोरिटी वो कौन चयनित करता है? तो जो उस राज्य के स्थानीय निकाय हैं जैसे म्युनिसिपैलिटीज हो गया या फिर ग्राम पंचायत हो गया, ये लोग मिलकर विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को अपॉइंट करते हैं। और 1/3 सदस्यों को जो विधानसभा के सदस्य होते हैं यानी कि जो विधायक होते हैं वो लोग चुनते हैं। 1/6 सदस्यों को कौन चुनता है? तो राज्यपाल द्वारा वहां पर चुना जाता है। 1/12 सदस्यों को वो चुनते हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं। जैसे आप मान लो कि आप ग्रेजुएट कंप्लीट कर चुके हो तो आप भी वहां पर विधान परिषद के सदस्यों को चुन सकते हो। और 1/12 ही सदस्यों को अपॉइंट कौन करते हैं? तो वहां के जो मतलब सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, हाई स्कूल के या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल के, वो लोग 1/12 सदस्यों को अपॉइंट करते हैं। तो इस तरह से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक, चलिए। भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में 6 स्थानों को जोड़ा गया है। ये बात याद रखिएगा, पूर्णतः नहीं जोड़ा गया है, 6 संभावित स्थानों में जोड़ा गया है। यानी कि यूनेस्को ने कहा है कि ठीक है अभी हम 6 संभावित स्थलों में रखते हैं, बाद में जब फाइनल लिस्ट निकलेगा तो इसमें से 1 या 2 या 3 धरोहर को उसमें शामिल किया जा सकता है। ये संभावित सूची है जिसमें शामिल किया गया है। तो ये 6 संभावित सूची कौन सा है? जैसे वाराणसी का गंगा घाट हो गया, तमिलनाडु का कांचीपुरम का मंदिर हो गया, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो गया, महाराष्ट्र का वास्तुकला हो गया, हीरे बेंकल मेगाथेलिक साइट हो गया, मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी और भेड़ा घाट या फिर लमेता घाट हो गया। तो इस तरह से 6 स्थलों को जो है यूनेस्को की तरफ से संभावित सूची में डाला गया है। और यूनेस्को का जो टोटल संभावित स्थल हो गया है अभी वर्तमान समय में वो 48 है। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और याद रखिएगा कि वर्तमान समय में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में भारत के कितने स्थानों को शामिल किया गया है, यानी कि टोटल कितने स्थान है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है भारत के, तो उसका संख्या है 39। पहले 37 था लेकिन 2020 में 2 स्थानों को जोड़ा गया। एक था आपका ओरछा और दूसरा था आपका ग्वालियर। 2 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, यानी कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसे कब स्टैब्लिश किया गया? इसे स्टैब्लिश किया गया 1945 में। इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, अगला जो टॉपिक है वो है संवेदना। संवेदना एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि बच्चों के लिए शुरू किया गया था कोविड-19 के समय पे, अभी भी शुरू है। खासकर यह जो इनिशिएटिव है
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से लिया गया है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक आयोग है, इसके अंडर में कार्य करता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसी की तरफ से ये शुरू किया गया है। COVID-19 के दौरान बच्चों को देखभाल करने के लिए, उनका जो मानसिक स्थिति है उसे पॉजिटिविटी में लाने के लिए, बेहतर तरीके से उसे समन्वय करने के लिए, क्योंकि आपको पता है COVID-19 की बहुत वजह से बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारे मेंटल इश्यूज भी लोगों में आए हैं डर की वजह से, तो बच्चों को इससे प्रोटेक्ट किया जा सके, उन्हें सही रास्ता दिखाया जा सके, इसीलिए संवेदना नामक कार्यक्रम जो है शुरू किया गया और यह एक टोल फ्री हेल्पलाइन है जिसके माध्यम से COVID-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को परामर्श प्रदान किया जाएगा। बस इतनी ही बात है। आपसे पूछा जा सकता है कि संवेदना पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा किसके द्वारा शुरू किया गया है, किस उद्देश्य के साथ में शुरू किया गया है, बस इस बात को याद रखिएगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। अगला जो टॉपिक है वो है इटालियन ओपन 2021। इटालियन ओपन 2021 का आयोजन मई के महीने में किया गया और राफेल नडाल ने इटालियन ओपन 2021 को जीता। इन्होंने हराया किसे, तो नोवाक जोकोविच को हराया। इटालियन ओपन को जो है रोम मास्टर्स के नाम से भी जाना जाता है और रोम मास्टर्स का खिताब जीत, टोटल 10 खिताब जो है राफेल नडाल रोम मास्टर्स का जीत चुके हैं और इटालियन ओपन 2021 का आयोजन मई 2021 में रोम में किया गया। फाइनल मुकाबला जो है राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच के बीच खेला गया, जैसे कि मैंने आपको बताया। और राफेल नडाल कौन है, तो ये स्पेन के एक टेनिस खिलाड़ी है। अच्छा, ये तो हो गया इटालियन ओपन 2021। ज्यादातर अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो ग्रैंड स्लैम से पूछा जाता है, तो टोटल कितने प्रकार के ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं। सबसे पहला विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये चारों फ्रेंच ओपन होते हैं, इसके रिजल्ट्स हर साल जो भी आए, जो भी जीते उनका नाम याद रखिएगा और ये चारों फ्रेंच ओपन चारों आप ग्रैंड स्लैम के बारे में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका टाइटल है 2DG, यानी कि 2-डॉक्सी-डी-ग्लूकोज। यह DRDO की तरफ से विकसित किया गया कोरोना की लड़ाई के लिए एक दवा है, यानी कि कोरोना की लड़ाई में यह बहुत हेल्प करेगा कोरोना मरीजों के लिए। तो इसे जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से अप्रूवल दिया गया मई के महीने में। 2DG को DRDO की तरफ से इसे डेवलप किया गया है, आपातकालीन उपयोग के लिए इसकी मंजूरी भी दे दी गई है। 2DG का अर्थ है 2-डॉक्सी-2-ग्लूकोज, जैसा कि ऊपर में देखिए, और इसे जो बनाया गया है रेडिस लेबोरेटरीज की मदद से बनाया गया है। खासकर अगर किसी मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो अगर वो शुरू में संक्रमित होता है तो इस दवाई को लेने के बाद, यानी कि यह दवाई देने के बाद ऐसा दावा किया जा रहा था कि उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। यहां पर इसका फॉर्मूला दिया हुआ है कि यह आखिर कैसे बना है, तो आप जब PDF डाउनलोड करोगे तो यहां पर आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा इस दवाई के बारे में, याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि यह दवाई किसके द्वारा विकसित किया गया है, किस लिए विकसित किया गया है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। DRDO के बारे में याद रखिएगा, DRDO का फुल फॉर्म क्या है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, डिफेंस से रिलेटेड नए नए रिसर्च करती है। इसके अलावा इसके अभी वर्तमान समय में चेयरमैन कौन है, तो ये भी याद रखिएगा, इसके सतीश रेड्डी जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि DRDO को एस्टैब्लिश कब किया गया, 1958 में। ठीक, चलिए आगे है इजराइल का आयरन डोम। मई के महीने में आपने बहुत सुना होगा फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में बड़ा संघर्ष हुआ, हालांकि बाद में शांत भी हुआ, और इस संघर्ष के बीच में एक जो इक्विपमेंट है या फिर डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स का लो, ये बहुत न्यूज में रहा, जिसका नाम है इजराइल का आयरन डोम। इसलिए न्यूज में रहा क्योंकि फिलिस्तीन की तरफ से जितने भी रॉकेट दागे जा रहे थे, इजराइल के आयरन डोम की मदद से उस जो रॉकेट था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जा रहा था, यानी कि हवा में ही उसे मार गिराया जा रहा था। तो इसराइल के इस आयरन डोम के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, याद रखना है कि यह एक वायु रक्षा प्रणाली है। आपसे पूछा जा सकता है
कि आयरन डोम किससे संबंधित है या फिर किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, इसराइल के द्वारा विकसित किया गया है, क्या है ये? तो वायु रक्षा प्रणाली है, किसी भी मिसाइल या रॉकेट को बेअसर कर देता है। यह एक शॉर्ट रेंज ग्राउंड एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका उपयोग जो है रॉकेट, मोर्टार, विमान, हेलीकॉप्टर, मोर्टार या फिर आर्टिलरी और मानव रहित वाहनों का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। कैसे यह कार्य करता है, तो यहां पर देखो, अगर मान लो किसी की तरफ से रॉकेट लॉन्च किया गया, रॉकेट लॉन्च करने के बाद इस आयरन डोम का एक सिस्टम है जिसे रडार सिस्टम डिटेक्ट रॉकेट को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले अगर इधर से लॉन्च हुआ तो ये उसे डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद यहां पर एक कंट्रोल सिस्टम होगा, जो कंट्रोल सिस्टम जो है वो एस्टिमेट बताएगा कि ये रॉकेट किस तरफ आ रहा है और कितनी दूरी पर आ रहा है। फिर यहां से आयरन डोम जो है अपना रॉकेट लॉन्च करेगा और एस्टिमेट करके इसे हवा में ही मार गिराएगा। तो इस तरह से इसका आयरन डोम जो है पूरी दुनिया में चर्चा में था। तो आयरन डोम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतने पॉइंट्स को आपको याद रखना होगा, क्लियर। अगला, हिमंत बिस्वा शर्मा को असम का 15वां मुख्यमंत्री अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखिएगा, 10 मई को इन्होंने असम का जो 10वां मुख्यमंत्री है उसके रूप में इन्होंने शपथ लिया। सर्बानंद सोनोवाल की जगह इन्हें अपॉइंट किया गया, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसके बारे में भी आपको याद रखना होगा, लेकिन इससे पहले आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि हाल ही में तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, ठीक। अनुच्छेद 164 को आपको याद रखना है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, यानी कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा किया जाता है और मुख्यमंत्री के सिफारिश के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है आर्टिकल 164 के तहत। आर्टिकल 163 क्या है, तो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद जो है राज्यपाल को सलाह देते हैं, और आर्टिकल 166 क्या है, तो राज्य सरकार के कार्यों का संचालन किस प्रकार से होगा इसका प्रोविजन है। और आर्टिकल 167 भी याद रखिएगा, इसमें क्या प्रोविजन है, तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या है, इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 167 में दिया गया है। तो मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट तो ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो यहां पर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है इसके बारे में भी आपको याद रखना है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाल ही में तमिलनाडु का मुख्यमंत्री किसे अपॉइंट किया गया है। अगला जो टॉपिक है वो यूरोपियन काउंसिल के बारे में है। कोविड-19 के सिचुएशन के समय भारत और यूरोपीय यूनियन काउंसिल के बीच एक मीटिंग हुई, भारत यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस मीटिंग में शामिल हुए। तो इसके बारे में जान लेते हैं, कब यह मीटिंग हुआ, 8 मई 2021 को हुआ। बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुआ, इकोनॉमिकल मुद्दे पर भी चर्चा हुआ कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच में किस प्रकार से ट्रेड हो। याद रखिएगा कि अब ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है, पहले यूरोपीय यूनियन काउंसिल में या फिर यूरोपीय यूनियन में टोटल 28 मेंबर हुआ करते थे, अब सिर्फ और सिर्फ 27 मेंबर हैं, ब्रिटेन उससे बाहर हो चुका है। और इस वर्ष भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक मेजबानी पुर्तगाल द्वारा की गई, यानी कि इंडिया और यूरोपीय यूनियन का जो भी मीटिंग होता है तो इस वर्ष जो है अध्यक्षता है वो पुर्तगाल द्वारा किया गया। अलग अलग वर्ष में अलग अलग यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज द्वारा जो है वो अध्यक्षता किया जाता है। 15वां भारत यूरोपीय संघ का शिखर सम्मेलन जो था वो जुलाई 2020 में आयोजित किया गया और इस वर्ष जो आयोजन हुआ वो 16वां शिखर सम्मेलन था, क्लियर है। चलिए यहाँ पर कुछ यूरोपीय संघ परिषद के बारे में भी जानते हैं। यह परिषद जो है महीने में कम से कम 2 बार बैठक आयोजित करती है और भारत के साथ प्रत्येक वर्ष 1 बार शिखर सम्मेलन होता है। यह जो बैठक है 6 महीने में अगर 2 बार हो रहा है तो ये आपस में ही बैठक करते हैं जो इनके मेंबर्स हैं, क्लियर। बैठक में सदस्य राज्यों के सभी 27 प्रमुख हिस्सा लेते हैं, जबकि विदेशी मामलों पर अगर चर्चा होती है तो जिस विदेश से हो रहा है या फिर अगर मल्टीपल कंट्रीज के साथ में बैठक हो रहे हैं तो उसके प्रमुख भी इसमें हिस्सा लेते हैं। यूके को काट दीजिए, बाकी अगर आपको यूरोपीय यूनियन के मेंबर्स के बारे में जानना है तो ये टोटल 27 मेंबर्स के नाम यहां पर दिए हुए हैं जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद अगला जो टॉपिक है या फिर जो लास्ट का हमारा टॉपिक है वो है यूरेनियम 214 के बारे में। हाल ही में साइंटिस्ट की तरफ से, खासकर इसमें चाइना का बहुत बड़ा योगदान है, यूरेनियम का सबसे हल्का रूप ढूंढा गया है यानी कि खोजा गया है, जिसे नाम दिया गया है 214। अभी यूरेनियम के जिस रूप का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है वो कौन सा यूरेनियम है, तो वह यूरेनियम है 235। तो 214 अभी खोजा गया है, याद रखिएगा बस इतना कि 214 खोजा गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में यूरेनियम के सबसे हल्के रूप को खोजा गया जिसका नाम क्या है, तो 214 याद रखना है। इस खोज से एक अल्फा कण के बारे में अधिक जानकारी का पता चलता है,
किसके कंपैरिजन में, 235 के कंपैरिजन में। और अल्फा कण क्या होते हैं, तो अल्फा कण वे कण होते हैं जो रेडियोधर्मी तत्वों से अलग हो जाते हैं जिससे उनका क्षय होता है। क्लियर है? तो इतने पॉइंट्स को आपको यूरेनियम 214 के बारे में याद रखना है। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा, और जून का जो भी करंट अफेयर्स है नेशनल और इंटरनेशनल से रिलेटेड आपको 3 से 4 दिनों में अवेलेबल हो जाएगा। फिर हम लोग सीक्वेंस हिसाब से चलते रहेंगे जैसा चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ तो वैसे जो भी डिले हुआ था वो डिले खत्म करने के बाद हमारे शेड्यूल के हिसाब से ही छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स चल रहा है। तो नेशनल और इंटरनेशनल वाला भी बहुत जल्द उससे भी शेड्यूल में लाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सीजीपीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।